हाय एवरीवन, जैसा मैंने वादा किया था कि मैं रोज अपडेट दूंगा, तो आज मार्केट का हमारा जो अपडेट है, डेली अपडेट, उसमें सबसे पहले जो बड़ी न्यूज मेरे सामने आई वो थी रिलायंस पावर ने अपने 3872 करोड़ का जो डेट है वो क्लियर कर दिया है, जिसकी वजह से वो डेट फ्री स्टेटस बन चुका है उसका। अब क्योंकि ये पेनी स्टॉक है इसलिए मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, पर न्यूज बड़ी थी इसलिए मैंने सोचा अपडेट दे देना चाहिए। इसके अलावा एक और जो टपरवेयर करके एक ब्रांड है जो किचन वेयर के जो सामान बनाती थी, बहुत फेमस, उसके लोगों ने यूज किए होंगे, वो उसने अब बैंक्रप्सी फाइल की है क्योंकि वो समय के साथ कंपटीशन के सामने नहीं टिक पाई है। और अब मेरे पोर्टफोलियो की बारी। जो अपडेट मेरे पोर्टफोलियो में है वो है, मैंने जो आईपीओ में मुझे लगा था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, वो बेच दिया है, और उसकी वजह है बढ़ता हुआ उसका वैल्यूएशन। सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां 20, 21, 26 ऐसे फी पर अवेलेबल थी, और ये सीधा लिस्ट होने के बाद सीधा डबल हो गई। एक ही दिन में मिड कैप से लार्ज कैप में चली गई, इतनी बड़ी मार्केट कैप उसे मिल गई। 83 का भी वो मेरे हिसाब से कुछ महंगा वैल्यूएशन हो जाएगा, उतना वो डिलीवर कर पाए या ना कर पाए अभी तक हमें नहीं पता है। और क्योंकि मुझे आईपीओ मिला था तो मुझे बुक करना था, और कई फिर 2 दिन से अपर सर्किट लगा रहा था, पर आज तीसरे दिन सीधा नेगेटिव में खुला तो मैं थोड़ा डर भी गया था, इसलिए मैंने बेच दिया है। और उसके अलावा जो बाकी सारी पोजीशन है वो मेरी निफ्टी की इंडेक्स की पोजीशन है, जिसका आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे कॉपी करने के चक्कर में आपका भी लॉस हो जाए। इसलिए आज का अपडेट इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Keep supporting.